subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. मैत्री मोनिल वेबसाइट पर एक शख्स ने 30 से ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं को अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले आरोपी को रवाले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सचिन पाटिल उर्फ सचिन साबरे के काले कारनामों का पर्दाफाश एक पीड़ित एडवोकेट महिला ने किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले ही दो शादी कर चुका है और उच्च दर्जे की शिक्षा हासिल कर चुका है और पुलिस ने इस तरह के पीड़ित लोगों से अपील की है कि पुलिस से मिलकर इस तरह के मामले को सूचित करें। इस विषय की अधिक जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर तुकाराम निबलकर ने दी है। 31 मई को एक एडवोकेट महिला हमारे पास कंप्लेंट लेके आई कि उसको एक लड़के ने मैट्रिमोनी साइट से अनमैरिड करके प्रोफाइल बना के उसके साथ शादी करने का आश्वासन देके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हैं और उसको धोखा दिया है। तब हमने रबाले पुलिस स्टेशन में केस नंबर 179/2020 अंडर सेक्शन 376/131/417/509 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद हमने सारे डिटेल्स मंगवाए मैट्रिमोनी साइट से, तो हमें पता चला कि वो शादी होने के बाद उसने प्रोफाइल बना के लड़कियों को, बहुत सारे लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज के उनसे शादी का झांसा दे के फिजिकल रिलेशन बनाए और उनको धोखा दिया है। इस दौरान अक्यूज जो है सचिन दिलीप सामरे ये अक्यूज है, वो फरार हुआ था। तब हमने स्थानिक लोगों की मदद से और टेक्निकल एनालिसिस करके उसको विक्रमगढ़ से हिरासत में लिया है। उसको कोर्ट ने 1 जुलाई तक PCR दिया है। अभी वो हमारे कस्टडी में है और मुझे मेरी सभी लड़कियों से गुजारिश है जिन्होंने आज तक सचिन सामरे की वजह से धोखा खाया है और सचिन सामरे ने जिन किसी लड़की को धोखा दिया है वो सामने आए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए ताकि पुलिस को उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने में सहायता मिले। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.